बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निगेटिंग क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको जो क्वांटिफायर्स थे उनकी निगेशन स्टेटमेंट बताई थी कि कैसे लिखी जाती है और उस एक्सप्रेशंस को किस तरह निगेट किया जाता है। तो आज हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो जो हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है उसको निगेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। और इसी तरीके से उसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम निगेट करके देखेंगे कि हमारी जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा ताकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो सकें। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी अपनी प्रीवियस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन में आपसे कहते हैं, अच्छा ये जो मैं क्वांटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ निगेटिंग क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन, इधर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, ठीक है जी। तो पहला काम क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं तो मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को निगेट करता हूं और बताता हूं कि वो जो प्रोपोजिशन हमारे पास बनकर आती है वो प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। एक एग्जांपल लिखते हैं, राइट डाउन दी निगेशन, राइट डाउन दी निगेशन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ आपके पास क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हैं आपके पास और आप उसको निगेट करते हैं और मुझे बताना ये है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली प्रॉब्लम है, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टू एक्स, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें यहाँ पर, ये इधर यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया गया है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब ये होता है कि ये फॉर ऑल एक्स के ऊपर अप्लाई होता है, यानी जितना भी आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि अभी जब हम इसको निगेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। और हम यहाँ पर जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, फॉर एग्जांपल जो एक्स है हमारे पास, हम उसको एज अ रियल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चले इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, यानी कैसे निगेट किया जा सकता है। तो पहला काम ये है कि हम इसको निगेट करते हैं, निगेशन फॉर ऑल एक्स, ये आपने निगेशन अप्लाई कर दिया फॉर ऑल एक्स, ये आपका प्रेडिकेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टू एक्स, ठीक है जी। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने, यानी लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बताया था कि जब आप किसी यूनिवर्सल क्वांटिफायर को निगेट करते हैं पी ऑफ एक्स, तो वो जो है वो इक्वलेंट होता है किसके, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के इक्वल होता है, लेकिन वो ओरिजिनल वैल्यू को निगेट करता है, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये बात हम पहले कर चुके हैं तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। तो अब आप क्या कर रहे हैं, जब आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर को निगेट करेंगे तो वो एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा। तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपके पास क्या होगा, ये सारी की सारी इक्वलेंट स्टेटमेंट है, ये बन जाएगा जब आप इसको निगेट करेंगे, ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टू एक्स, राइट। अब आपने जो है वो इसको इस पर निगेट करना है। तो जब आप इस पर निगेट करेंगे तो आपने याद रखना है कि ये जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के साइन है, याद रखिएगा कि जब आप निगेट करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को तो ये इक्वल होता है आपके पास लेस देन के, और जब आप निगेट करते हैं लेस देन एंड इक्वल टू को ये इक्वल होता है आपके पास ग्रेटर देन के। सिमिलरली जब आप निगेट करते हैं लेस देन को, सॉरी ग्रेटर देन को, तो ये आपके पास इक्वल होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के, और सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, ये इक्वल होता है लेस देन एंड इक्वल टू के, और जब आप निगेट करते हैं लेस देन को तो ये इक्वल होता है आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है जी। तो ये तरह जो पॉइंट्स हैं ये इनको भी आप याद रखिएगा, वैसे तो खैर बहुत सिंपल सी पॉइंट है लेकिन आपको याद रहेगा। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को निगेट करते हैं तो आपका आंसर क्या बनता है, आपका आंसर बनता है देयर एग्जिस्ट एक्स, और ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू को निगेट करते हैं तो आंसर लेस देन आता है,
तो ये इक्वल होगा आपके पास लेस देन 2x। तो अब आपने मुझे सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है जी, यहाँ पर जहाँ पर आपके पास x एक्सप्लेन ना हो, तो इट मींस कि जो भी आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो अब आपने मुझे यहाँ पर एक ऐसा रियल नंबर बताना है, बल्कि एक नहीं बल्कि सारे रियल नंबर्स के लिए आपने चेक करना है कि ये सेटिस्फाई हो, ठीक है। यहाँ पर तो उसका ये मतलब था, बट देयर एग्जिस्ट ऑफ x का मतलब ये है कि अब आपने जो है यहाँ पर एक एटलीस्ट एक ऐसा नंबर आपने एटलीस्ट ढूंढना है जिस पर ये रिजल्ट ट्रू हो जाए। तो क्या आपको कोई ऐसा नंबर यहाँ पर मिल रहा है जिस पर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए? तो आप ट्राई कीजिएगा। हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता जहाँ पर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, तो इट मींस कि ये जो रिजल्ट है आपके पास रिजल्ट फॉल्स, यानी ये जो प्रोपोजिशन आपके पास बनकर आई है ये प्रोपोजिशन फॉल्स है, ठीक है जी। तो इस तरीके से किसी यूनिवर्सल क्वांटिफायर को आप जो है वो निगेट करते हैं। चलिए जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं राइट डाउन द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट तो सेम है, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, इसको निगेट करना है जनाब। तो निगेशन अप्लाई कर दें, या आपने इसको निगेट कर लिया, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, जब आप इसको निगेट करते हैं तो ये जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज हो जाता है, ये बन जाता है देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। और ये किसके इक्वल होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, जब आप इसको निगेट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू को, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो आप मुझे बताएं कि एक्स स्क्वायर की कोई ऐसी वैल्यू बताएं रियल नंबर्स के अंदर से जो लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है ज़ीरो से लेकर ऑनवर्ड। पहली बात ये कि जो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि कोई भी नेगेटिव नंबर डालेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और कोई भी ऐसा सिंगल नंबर आपके पास पॉसिबल नहीं है जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो इट मींस कि ये जो आपके पास प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन भी फॉल्स हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, और एक और एग्जांपल पर चलते हैं, क्योंकि जितनी एग्जांपल हम करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपसे कहते हैं, थोड़ी सी हम प्रॉब्लम को चेंज करते हैं, कहते हैं राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर्स, राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग क्वांटिफायर्स। अब आपके पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनको आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है यूजिंग क्वांटिफायर्स। अच्छा जी, और एक और इसमें बात की जा रही है, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, फाइंड इस निगेशन, फिर आपने इसका जो है वो निगेशन भी फाइंड आउट करना है, एंड डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट और इट्स निगेशन इज ट्रू और फॉल्स गिविंग अ ब्रीफ रीज़न, ठीक है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम कंप्लीट आपके लिए लिख दी है। तो बहुत सारे काम करने हैं, तो पहला काम तो ये करता हूँ कि मैं अपनी स्टेटमेंट को लिखता हूँ कि किस स्टेटमेंट को चेंज करना है मुझे। एवरी रियल एवरी रियल नंबर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। अब मेरे पास ये बेसिकली स्टेटमेंट है, पहला काम तो ये करना है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर फाइंड इट्स निगेशन। पहले तो उसको क्वांटिफिकेशन में लिखना है, यानी इसके क्वांटिफायर्स में लिखना है इस स्टेटमेंट को, फिर इसका निगेशन आपने फाइंड आउट करना है, एंड डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट और इट्स निगेशन इज ट्रू और फॉल्स, और आपने फिर बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स है, और फिर आपने जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपने रीज़न भी, यहाँ पर एक ब्रीफ रीज़न भी देना है। तो चले देखते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है एवरी रियल नंबर्स की, तो ये बात तो तय है यहाँ पर कि एवरी रियल नंबर्स का मतलब है कि ये जो जब भी एवरी फॉर ऑल सब प्रीफिक्स लगता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की। तो आप यहाँ पर एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर लिखते हैं, तो एवरी रियल नंबर्स, तो रियल नंबर है तो हम कह लेते हैं x, यानी ये बात यहाँ तक हो गई, फॉर ऑल रियल नंबर्स हो गए।
इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो है ये नेगेटिव को हम यूँ लिखते हैं x लेस देन ज़ीरो, और आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो चूँकि यहाँ पर और यूज़ किया गया तो ऑफ कोर्स आपने भी और यूज़ करना होगा x ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये आपने स्टेटमेंट को क्वांटिफायर्स में चेंज कर लिया। ठीक है जी, बहुत आसान है। एवरी रियल नंबर्स, ये आ गए एवरी रियल नंबर्स इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आइदर आप इसे ग्रेटर देन पहले लिख लें या बाद में लिख लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये और है यहाँ पर तो हमने यहाँ पर और को यूज़ कर लिया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि इसकी हमने बनानी है निगेशन। तो ज़रा बताइए कि इसको निगेट कैसे करेंगे, बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है। पहले तो हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं x ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम जब इसको निगेट करेंगे तो हमें पता है कि निगेट होने पर ये चेंज हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स के अंदर। तो चलिए जी इसको चेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास देयर एग्जिस्ट x निगेशन x लेस देन ज़ीरो, इसको एज इट इज़ रखते हैं एंड x ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। अब जब आप इसको फर्दर निगेट करेंगे तो ये जो निगेशन है ये इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो ये निगेशन जब दोनों पर अप्लाई होगा, ये याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, तो निगेशन ऑफ x बन जाएगा और ये बन जाएगा निगेशन यानी x में, एक एक स्टेप को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा जी, ये निगेशन आपने निगेशन लॉ को पहले पढ़ा था, जब ये निगेशन लॉ या जिसे आप निगेशन लॉ, ये बताता है कि जब ये निगेशन दोनों पर अप्लाई होती है तो जो दरमियान की साइन है ये साइन इंटरचेंज हो जाती है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर, और ये बन जाएगा x ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं निगेशन लॉ। और फाइनली जब आप इसको निगेट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को निगेट करेंगे, तो ऑफ कोर्स कि ये लेस देन है, तो ये लेस देन है तो ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के अंदर एंड, और ये चेंज हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू के अंदर। ठीक है जी, तो अब आपका मतलब, इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड x लेस देन एंड इक्वल टू, तो आपने यहाँ पर देयर एग्जिस्ट है चुके, तो इसका मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए। तो इस, अच्छा ये यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ किया गया है। एंड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ट्रू रिजल्ट देता है जब इन दोनों का एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू हो। तो यहाँ पर आप मुझे x की कोई एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू बता सकते हैं कि जिससे ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रही है वो वैल्यू होगी ज़ीरो। तो फॉर इंस्टेंस हम इसको चेक कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी पूछी थी, द ट्रू स्टेटमेंट इज द निगेशन बिकॉज x इज इक्वल टू इज x इज इक्वल टू ट्रू इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है जी, तो आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यानी इसकी निगेशन भी ट्रू हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट इज़ द निगेशन बिकॉज x इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x इज इक्वल टू ज़ीरो आपने ये कहा है, ये आपको पता है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो एक ऐसा नंबर है विच इज़ नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो निगेशन है आपके पास, ये निगेशन ट्रू हो जाएगी, राइट। अच्छा जी, इसी तरीके से आई होप कि सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, इसको भी आपने चेंज करना है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर फाइंड द निगेशन, इसको क्वांटिफायर में चेंज करना है। द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना यह है कि वीडियो को पॉज करना है और आपने खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आपसे कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज़ पॉजिटिव, यानी स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज़ पॉजिटिव। तो यानी एनी इंटीजर की बात हो रही है, तो आपको बताया था कि यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होगा, ऑफकोर्स यहाँ पर भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ होगा, यानी फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। और हम क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है जी, ज़रा जल्दी से इसको निगेट करते हैं, निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। जब आप इसको निगेट करेंगे तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो।
तो अब आपने मुझे, चूंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को यूज़ किया गया है, तो एक्स की एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू बतानी है जो स्टेटमेंट को ट्रू कर रही हो। तो ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रहा है वो वैल्यू कौन सी है, जीरो इटसेल्फ। तो जीरो पर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज़ पॉजिटिव। ये जो आपके पास स्टेटमेंट थी ये तो बिल्कुल ट्रू है, और इसकी जो निगेशन है ये निगेशन भी आपके पास ट्रू है। ठीक है जी, क्यों ट्रू है? वो इसलिए ट्रू है, देयर, चूँकि डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसलिए लिख रहा हूँ, देयर इज एन इंटीजर, इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। Whose square is not positive, the negation is true. There is an integer. ये इसका मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि there is an integer whose square is not positive. तो यहाँ पर statement जो है आपके पास, ज़रा इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं कि square of an integer is positive. वो कहते हैं यहाँ पर जो negation है वो ये represent करती है कि there is an integer whose square is not positive. ठीक है जी, तो वो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो निगेशन है आपके पास, ये निगेशन ट्रू हो गई, द निगेशन इज़ ट्रू। ठीक है, यानी जब ये निगेशन कैसे ट्रू होगी, व्हेन वी चूज़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये निगेशन ट्रू होगी। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देयर इज़ एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज़ नॉट पॉजिटिव। ठीक है जी, इट्स नॉट पॉजिटिव, तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है एक स्टेटमेंट जिसमें आपसे कहा जा रहा है ऑल कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट, ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट। ठीक है जी, तो ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर, ऑफकोर्स कि यहाँ पर भी ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज करते हैं कि सी, हम इसको लिखते हैं सी बी द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है जी, लेट सी बी द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें कह रहे हैं कि ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट, तो उसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स इज फाइनाइट। ठीक है जी, तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू सी इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कहा जा रहा है कि ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, सारे के सारे सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है जी, तो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर से जो तमाम के तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, हम यही कह रहे हैं कि फॉर ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करते हैं सी से, यकीन नहीं सारे के सारे कंप्यूटर प्रोग्राम होंगे, और फिर हम ये बता रहे हैं कि एक्स इज़ फाइनाइट, क्योंकि कह रहे हैं कि ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट। अच्छा जी, ज़रा इसको जल्दी से निगेट करते हैं। कैसे करें इसको निगेट? हम यहाँ पर निगेशन लगा देते हैं, ये लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स, ये बिलोंग्स टू सी लिखना कंपलसरी नहीं है, फाइनाइट, राइट। जब आप इसको निगेट करेंगे तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन एक्स इज फाइनाइट, और अगर आप इसको फर्दर लिखेंगे तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स, और यहाँ होगा कैसे लिखेंगे, एक्स इज नॉट फाइनाइट, एक्स इज नॉट फाइनाइट। अब यहाँ पर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें हम जो है वो अपनी यानी एक तरह का हम लिंक बना रहे हैं किसी किसी इंग्लिश सेंटेंस का किसी मैथमेटिकल सेंटेंस के साथ, तो हमें बेस्ट है कि हम उसको उसी की वर्डिंग में लिखें। ठीक है जी, यानी अगर हम बहुत अच्छी अंग्रेज़ी में इसका आंसर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है हम उसके रिलेटेड जो है वो अपनी मैथमेटिक्स बना सकते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स से इंग्लिश सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं या इंग्लिश स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि एक्स इज़ नॉट फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि नॉट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट, ये मतलब होगा ना इसका, नॉट ऑल
कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स आर फाइनाइट, नॉट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम. तो इसका मतलब यह है कि सम कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो इसका मतलब जब हम इस स्टेटमेंट को निगेट करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट. ठीक है जी, तो ये ओरिजिनल को आपने निगेट कर दिया. और इसी निगेट को हम और कैसे कह सकते हैं कि नॉट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी तमाम के तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम फाइनाइट नहीं होते, बल्कि कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम फाइनाइट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नहीं होते. और कैसे लिख सकते हैं, सम कंप्यूटर प्रोग्राम आर नॉट फाइनाइट. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं. जैसे ये आपको बताता है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको निगेट करते हैं कि एक्स इज़ नॉट फाइनाइट, तो जो है एक्स है वो बेसिकली कंप्यूटर, इसका मतलब ये कि कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो फाइनाइट नहीं होते. सम कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नॉट फाइनाइट, कहते हैं ना यार तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम्स फाइनाइट नहीं है, तो फौरन से ये सेंस जनरेट होती है कि कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम तो फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब है. ठीक है जी, तो इसको इस तरीके से अगर आप लेकर चलेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए. तो चलें, यहाँ पर हमने यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की 5 एग्जांपल्स देख ली. अब ज़रा जल्दी से जो है वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स की कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छा समझा दें. यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. इनफैक्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नहीं देख रहा हूँ, मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग है बेसिकली इन स्टेटमेंट्स को निगेट करना है आपने. ठीक है जी, तो इस हेडिंग से कंफ्यूज ना होइएगा आप यहाँ पर. जी जनाब, तो एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1, आपसे कहते हैं राइट डाउन दी निगेशन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट डाउन दी स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब यहां पर आपसे कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. तो यहां पर एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाया गया है. तो इसका मतलब यह है कि आपने एक्स की एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिस पर यह रिजल्ट ट्रू हो जाए. तो कोई पॉसिबल है? बिल्कुल कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. 1 रखते हैं तो इसका आंसर जो है वो, और अब यहां पर अगर हम ये सपोज करते हैं कि ये जो है वो तमाम के तमाम जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से लिए जाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऐसा नहीं हो सकता जिससे इसका रिजल्ट ये निकल कर आए. ठीक है जी, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर जो है वो 1/2 रखें तब ये रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है. बट जब हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो अगर ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो इट मीन्स, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो बेसिकली आपके पास इंटीजर्स हैं. तो चलें, अब हमारा टास्क ये है कि हम इसको क्या करने वाले हैं, निगेट करने वाले हैं. तो अब हम निगेट करते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. निगेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो वो फॉर ऑल में चेंज हो जाता है, ये बन जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ एक्स, निगेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2. तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको ये बताता है कि देर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स विच स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ठीक है जी, तो ये रिजल्ट आपको ये बताता है और ये रिजल्ट इसको निगेट करता है. तो जब ये रिजल्ट इसको निगेट करता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर से कोई तमाम की तमाम वैल्यू जो इसके बराबर ना हो. ऑफ कोर्स के तमाम की तमाम इंटीजर्स अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं तो आप देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो 2 के इक्वल नहीं होता. तो इट मींस कि जो इसकी निगेशन है वो निगेशन आपके पास ट्रू है, राइट. चलिए जी, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं. कहते हैं राइट डाउन द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. निगेशन सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, निगेशन z. इसमें कहते हैं कि z इज ऑड और z इज इवन. ठीक है, z की कुछ वैल्यूज के लिए या z की एक वैल्यू के लिए आपने बताना है कि z इज ऑड, या तो z ऑड है और z इज इवन. अच्छा जी, जब और ऑपरेटर लगता है तो उसका मतलब होता है कि इन दोनों में से अगर कोई एक ट्रू हो जाए, यानी z की कोई एक वैल्यू हमें ऐसी मिल जाए जिस पर ये दोनों के, ये इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो ओवरऑल जो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है. ठीक है जी, तो इसका मतलब होता है. तो पहला काम तो ये करते हैं, ये हमने समझ ली
अब हम ये करते हैं कि इसको निगेट करते हैं। कैसे निगेशन होगा ज़रा देखिएगा, ये बनेगा निगेशन और बनेगा देयर एग्जिस्ट z, और फिर आप लिखेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं z इज ऑड और z is even, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें काम क्या करना है, इस पर निगेशन अप्लाई करना है। तो जब आप इसके ऊपर निगेशन अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये जो निगेशन है, ये निगेशन, चले मैं यहाँ पर एक स्टेप और आपके लिए परफॉर्म कर देता हूँ। जैसे ही आप इस निगेशन को अप्लाई करते हैं तो देयर एग्जिस्ट, तो पहली बात है कि फॉर ऑल में चेंज हो जाएगा z, और ये निगेशन हो जाएगा, और ये जो आपके पास ओरिजिनल स्टेटमेंट है क्या है, z इज ऑड और z इज इवन, इस पर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलें इस पर इसको अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस निगेशन को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कैसे अप्लाई होगा, ये ऐसे अप्लाई होगा कि ये इस पर भी लग जाएगा, इस स्टेटमेंट के ऊपर भी लग जाएगा इसे हम, और ये जो और है ये बेसिकली एंड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास फॉर ऑल z, इसको आप लिख सकते हैं निगेशन ऑफ z इज ऑड, आप चाहें तो कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, एंड निगेशन ऑफ z इज इवन, इसे हम कहते हैं निगेशन लॉ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। और हम इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल z, इसको जब इस एक्सप्रेशन को जब आप निगेट करेंगे तो z इज ऑड जो है वो चेंज हो जाएगा z इज नॉट ऑड, ठीक है जी, z इज नॉट ऑड, एंड ये बन जाएगा z इज नॉट इवन। तो अब आपने, और यहाँ पर जब एंड ऑपरेटर लगता है तो इसका मतलब है इन दोनों को ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मुझे कोई ऐसा इंटीजर बता सकते हैं विच इज़ नॉट ऑड एंड नॉट ओमन इवन, तो ऐसा कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बेसिकली जो निगेशन आपके पास रिजल्ट बनकर आया ये हो गया आपके पास फॉल्स, ठीक है जी। इस तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो काम करता है। चलिए जी, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट एन, एन इज इवन एंड अंडर रूट एन इज प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसको निगेट करते हैं ज़रा जल्दी से, आइडिया तो आपको हो गया कैसे निगेट करना है। तो जब आप इसको निगेट करते हैं, किसको निगेट कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को वापस से मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा एन इज इवन, आप चाहें तो कुछ स्टेप्स को अपने लिए स्किप कर सकते हैं, एन अंडर रूट एन इज प्राइम, राइट। तो ये मेरे पास आ गया। जब हम इसको निगेट करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास, मैं डायरेक्ट लिखूंगा फॉर ऑल एन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन लिखना चाहिए जो मैं भूल चुका हूँ, फॉर ऑल एन, और ये जो निगेशन है ये इस स्टेटमेंट पर अप्लाई हो जाएगा, एन इज इवन एंड अंडर रूट एन इज प्राइम, रूट एन इज प्राइम, ठीक है जी। और फाइनली आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, जब आप ये निगेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास n is even है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये बन जाएगा n is not even जब आप निगेट करेंगे इसको, एंड और जब आप इस स्टेटमेंट को निगेट करेंगे, ये भी यहाँ पर निगेशन लगी हुई है और मैं यहाँ पर यहाँ पर निगेशन है, दोनों पर अप्लाई हो रही है एक्चुअली, ये दोनों पर अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। इस पर भी डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट एन इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो अब आपने मुझे बताना है कि तमाम की तमाम ऐसी वैल्यूज़ आपने मुझे बतानी है, तमाम वैल्यू तो बहुत मुश्किल है, आप देख लें कि किसी एक ऐसी वैल्यू को ढूंढ लें जिस पर ये रिजल्ट जो है आपके पास फॉल्स हो जाए। मिसाल के तौर पर हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, अगर हम बात करें 4 की, फॉर इंस्टेंस अगर हम कहते हैं कि n जो है वो 4 है, तो आप करें कि n इज नॉट इवन, n इज नॉट इवन, ये बेसिकली फॉल्स हो जाएगा क्योंकि n तो इवन है आपके पास, एंड अंडर रूट n इज नॉट प्राइम, ये भी गलत हो जाएगा, जब 4 को इसके अंदर पुट करेंगे आंसर 2 आएगा तो 2 भी हो जाएगा आपके पास प्राइम।
होगा क्या कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो एंड जो रिजल्ट है वो बेसिकली फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर ऑल के अंदर क्या होता है, फॉर ऑल के अंदर तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना चाहिए, तो आपने कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ ली जिसके लिए इसका आंसर फॉल्स है, तो ओवरऑल ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इट मीन्स द निगेशन इज़ फॉल्स, जो भी आपने निगेट किया है अभी यहाँ पर, द निगेशन इज़ फॉल्स। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल ये पॉइंट समझ आ गया है कि अगर n की वैल्यू 4 को आप टेस्ट करेंगे तो n की वैल्यू 4 के n इज़ नॉट इवन, जबकि हमें पता है ये इवन है, तो ये फॉल्स हो गया आपके पास। और अंडर रूट n इज़ नॉट प्राइम, जबकि हम 4 पुट करते हैं तो आंसर आता है प्राइम, तो इट मींस कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके पास फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि n इज़ इक्वल टू 4 के ऊपर ये प्रेडिकेट जो है वो प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। ठीक है जी, तो ये भी आपने आसानी से देख ली इस एग्जाम्पल को। अच्छा जी, एक और एग्जांपल को देखते हैं ताकि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे हो जाएं। एग्जांपल नंबर 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स एंड फाइंड इट्स निगेशन। तो प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स को भी के थ्रू इस स्टेटमेंट को बनानी है आपने, और फिर उसके बाद उसको आपने इसकी निगेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो कहते हैं कि सम डॉग्स आर वेजिटेरियन, सम डॉग्स आर वेजिटेरियन। तो अब आप इसको जब आप चेंज करेंगे, क्योंकि सम डॉग्स की बात हो रही है, तो ये बात तो तय है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स बनकर आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए सपोज कर लेता हूँ एक सेट डी बी द सेट ऑफ डॉग्स। ठीक है जी, तो ये बेसिकली यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। तो आपको कह रहे हैं कि और इसका जो एलिमेंट है वो स्मॉल डी से कंसिडर किया जाता है। देयर एग्जिस्ट डी, और फिर कहते हैं डी, अच्छा ये सेट ऑफ डॉग है और जो डी है वो डॉग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, एंड डी इज वेजिटेरियन, डी इज वेजिटेरियन। ठीक है जी, तो देयर एग्जिस्ट डी, कुछ एक्स की एक्स जो एक भी आपके पास जो वैल्यू है, और वो कह रहे हैं कि जो डी है वो आपके पास वेजिटेरियन है। ठीक है जी, सम डॉग्स आर वेजिटेरियंस। तो यहाँ तक ये बात आपकी हो गई होगी क्लियर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस के अंदर तमाम मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो उम्मीद है कि आप जो है वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो जब हम इसको निगेट करते हैं, तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा फॉर ऑल डी चेंज में चेंज हो जाएगा, और निगेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा जिसमें कहा जा रहा है कि डी इज़ वेजिटेरियन, वेजिटेरियंस, राइट। तो अब आप इसको जब निगेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, जब आप इसको नहीं, डी इज़ वेजिटेरियन, तो ये बन जाएगा डी इज नॉट वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, फॉर ऑल डी यानी ऑल डॉग्स। ठीक है जी, ऑल डॉग्स, डी इज़ नॉट वेजिटेरियन, ऑल डॉग्स आर नॉट वेजिटेरियन, ऑल डॉग्स, डॉग्स, तो इसका निगेशन ये बनेगा आर नॉट वेजिटेरियन। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर नॉट वेजिटेरियंस, तो नहीं, आपको पता है कि ऑल डॉग्स आर नॉट वेजिटेरियन, आपको पता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि कोई भी डॉग जो है वो, ऑल डॉग्स आर नॉट वेजिटेरियंस, तमाम के तमाम डॉग्स जो हैं वो वेजिटेरियन नहीं, बल्कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी डॉग जो है वो वेजिटेरियन नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल नंबर 5, और इसमें भी आपने ये करना है, सम एनिमल्स, एक आपके पास प्रोपोजिशन प्रेडिकेट्स गिवन है आपके पास, और क्वांटिफायर गिवन है, एक स्टेटमेंट है आपके पास, सम एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स। ठीक है जी, अब सम एनिमल्स आर डॉग्स, तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए सपोज कर लेते हैं कि लेट ए जो है वो आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, विच इज़ बी द सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है जी, तो उसको कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स विच इज़ बिलोंग्स टू ए, अब ये लिखना ज़रूरी नहीं है बिलोंग्स टू ए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, और आप फिर कैसे लिखेंगे, प्रेडिकेट लिखेंगे एक्स इज डॉग। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ आ गई बात आपको, तो देयर एग्जिस्ट एक्स विच इज़ बिलोंग्स टू ए, यानी देयर एग्जिस्ट, यानी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ए क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स हैं, और ये कह रहे हैं कि एक्स इज़ अ डॉग,
और वो जो सम एनिमल्स हैं, वो जो जो भी एनिमल्स यहाँ से पिक कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो डॉग है। तो इसका हम जब हम निगेट करते हैं, जब उसकी निगेशन देखते हैं, तो निगेशन आपके पास क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको। तो जब आप उसको निगेट करते हैं, तो निगेट बनता है फॉर ऑल एक्स निगेशन एक्स इज़ डॉग। और फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो फॉर ऑल एक्स एक्स इज़ नॉट डॉग्स। ठीक है जी, तो उसको हम कैसे कैसे ले सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया ऑल एनिमल्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, अब आप बताएं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सम एनिमल्स आर डॉग्स, ठीक है जी, और यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे पास निगेशन का रिजल्ट आया, इसका मतलब है कि ऑल एनिमल्स, तमाम के तमाम एलिमेंट डॉग्स नहीं होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? अब आप यहाँ पर ख़ुद डिसाइड कीजिएगा कि ये आपके स्टेटमेंट ट्रू है या आपके स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये जो निगेशन हमने फाइंड आउट किया है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि हम किस तरीके से जो है वो किस तरीके से जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को निगेट करते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट ट्रू है फॉल्स है। अच्छा, एक एक और ज़रा डिफरेंट किस्म की एक एग्जांपल हम सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू लॉजिक। ठीक है जी, ज़रा आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ट्रांसलेटिंग, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन ऑफ कोर्स के इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू लॉजिक, सही है जी। अब यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से देखना है, एक एक्सप्रेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो एक्सप्रेशन है आपके पास एक्सप्रेस दी स्टेटमेंट। मैं इसको कम्प्लीटली लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल एक्सप्रेस दी स्टेटमेंट, एक्सप्रेस दी स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? एवरी स्टूडेंट इन दी क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कैलकुलस। ठीक है जी, यूजिंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, बाय यूजिंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये आपके पास है बेसिकली एक स्टेटमेंट, एक्सप्रेस करना है उसको, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ स्टडीज कैलकुलस। आपने इसको प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स से इसको एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, हम इसको कैसे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट री राइट द स्टेटमेंट, पहला काम तो ये करें कि स्टेटमेंट को री राइट कर लें। अब हम कह रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट है, तो हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी मैथ बनानी है। फॉर एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, और कैसे स्टूडेंट हैं, दैट स्टूडेंट, और वो जो स्टूडेंट है आपके पास हैज़ स्टडीड कैलकुलस। तो अगर आप किसी इंग्लिश सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैथमेटिक्स में चेंज करेंगे, तो आपके लिए काम ज़रा आसान हो जाएगा। तो हम इसी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट अब आपके पास जो लिखी हुई है, उस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ स्टडीड कैलकुलस। हम यूँ भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास दैट स्टूडेंट हैज़ स्टडीड द कैलकुलस। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता है कि हम इसके अंदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हम इसको इस तरह लिखते हैं, फॉर एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें एक्स इन द क्लास। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये बातें समझ आ जाएगी। और फिर वो कह रहे हैं कि दैट स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को अगर हम एक्स ले रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस। ठीक है जी, फॉर एवरी, यानी अब आप नोट करें कि अब हमारे पास मेन सेंटेंस ये था, उस सेंटेंस को पहले आपने इस तरह लिखा, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द क्लास एक्स इन द
इन द क्लास एक्स हैज़ स्टडीड द कैलकुलस, यानी एक तो एक्स हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और एक एक्स हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, क्लास के लिए, ठीक है जी। फर्दर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप नोट करें तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैथमेटिक्स बन रही है। हम एक प्रेडिकेट सी ऑफ एक्स सपोज करते हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि एक्स स्टडीड कैलकुलस, ठीक है जी। और यहाँ पर एक्स क्या है, ऑफ कोर्स आपको पता है एक्स क्या है, स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप नोट करें तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट ये चेंज हो रही है। तो अब हम इसको किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं जी जनाब, तो बताइए फाइनली हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, ये एक्स जो है स्टूडेंट्स हैं, यानी फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्स सी ऑफ एक्स का मतलब है स्टूडेंट इन द क्लास स्टडीड कैलकुलस, ठीक है जी। तो फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास स्टडीड कैलकुलस, पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो इस तरीके से आप जो है वो, तो ये बताता है, ये फॉर ऑल एक्स का मतलब होता है फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स, ठीक है जी, फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द क्लास, फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द क्लास। और फिर ये क्या है, एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस, तो सी ऑफ एक्स आपने डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द क्लास हैज स्टडीड द कैलकुलस, पॉइंट क्लियर हुआ ही आपका। तो इस तरीके से आपने इसको चेंज कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, और भी इसकी कुछ करेक्ट अप्रोच हो सकती हैं, तो हम इसको डिफरेंट डोमेन्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ज़रा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ वो ज़रा आपने ध्यान से देखना है, उसका कोई भी पार्ट आपने जो है वो मिस नहीं करना है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, और मैं जो हूँ बेसिकली स्टूडेंट्स के ग्रुप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी जो मेरा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो बेसिकली स्टूडेंट्स है ना, ठीक है जी। ये जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है ये मैं मान लें कि ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स से वो नहीं हूँ, बल्कि अब मैं उससे बड़ा वाइडर ग्रुप बना रहा हूँ, और ये हैं पर्सन्स, ठीक है। तो ये पर्सन्स हैं, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो पर्सन्स हैं अगर वो पर्सन्स जो हैं वो स्टूडेंट होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कैलकुलस पढ़ी हुई होगी, ठीक है जी, स्टडीड कैलकुलस, ये आप इसको इस तरह कर लें, ठीक है। तो मैंने अब ज़रा वाइडर रेंज बना दी है, यानी अपनी एग्जांपल्स को अगर मैं थोड़ा सा चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ डोमेन को जो है वो मैंने कहा कि पीपल द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल्स, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास जो डोमेन है वो तमाम के तमाम पीपल्स हो जाएँ, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम अपनी स्टेटमेंट को इस तरह बनाएंगे कि फॉर एवरी पर्सन एक्स, ठीक है जी। पहली बात ये कि तमाम के तमाम एक्स लोग, और वो स्टूडेंट होने चाहिए। इफ पर्सन्स एक्स इज़ अ स्टूडेंट कहाँ पर, इन दिस क्लास, देन अगर ऐसा है, देन एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस, पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब अगर हम यहाँ पर वाइडर डोमेन असाइन कर लें, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम पर्सन्स अगर वो स्टूडेंट होते हैं तो उन्होंने कैलकुलस को स्टडी किया होगा, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर इफ और देन वाली कंडीशन आ रही है, तो इट मींस कि यहाँ पर कोई स्टेटमेंट कोई इम्प्लीकेशन पॉसिबल है। तो हम अब अगर हम ये सपोज करें कि इफ जो एस ऑफ एक्स है ये आपको क्या बता रहा है, पर्सन एक्स इन द क्लास ये बता रहा है आपको, तो इसका मतलब होगा कि फॉर ऑल एक्स इफ एस ऑफ एक्स देन, यानी फॉर ऑल एक्स यानी तमाम के तमाम पर्सन जो हैं वो, देन सी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स क्या है, ऊपर ही मैंने एक्सप्लेन किया है सी ऑफ एक्स, ये देखिए मैं बता देता हूँ, सी ऑफ एक्स का मतलब है हैज स्टडीड द कैलकुलस। तो ज़रा हम इसको वापस से हम इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स यानी तमाम के तमाम पर्सन जो बेसिकली जो आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी,
इफ़ वो तमाम पर्सन जो बेसिकली अगर वो स्टूडेंट हैं तो उन्होंने कैलकुलस को स्टडी किया होगा, पर्सन नहीं होगा स्टूडेंट, इसको हमें लिखना होगा ऐसे, ये होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एक्स इन द क्लास, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम पर्सन, और अगर वो पर्सन जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं देन उन्होंने कैलकुलस को स्टडी किया होगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट। अच्छा जी, ज़रा इसको ये बताएं कि क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, फॉर ऑल एक्स एस ऑफ एक्स एंड सी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इम्प्लीकेशन अगर हम ना डालना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो क्या बताएं कि क्या हम अपनी स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपनी स्टेटमेंट को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो इन दोनों का, जब ये दोनों ट्रू होंगे तो आपका आंसर होगा ट्रू, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम पर्सन जो हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं जो जिन्होंने कैलकुलस स्टडी किया है, जबकि ऐसा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम इसको, इसका क्या मतलब है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस स्टेटमेंट से दैट ऑल पीपल्स या ऑल पर्सन्स आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास एंड हैव स्टडीड कैलकुलस, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको स्टेटमेंट ये बताती है कि हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा, इसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम पर्सन को स्टूडेंट भी होना चाहिए, जो कंपलसरी नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट वो नहीं होगा, क्योंकि तमाम पर्सन के ग्रुप के अंदर से वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर स्टूडेंट्स हैं तो बेसिकली उन्होंने कैलकुलस को स्टडी किया हुआ होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर और उसकी निगेशन, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और उसकी निगेशन की कुछ एग्जांपल्स दी, और लास्ट में मैंने एक अंग्रेज़ी का एक सेंटेंस है उसको मैंने जो है वो चेंज किया, उसको प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स में चेंज किया, और सेकेंडली उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और हमने जनरलाइज किया और तमाम पर्सन्स के ऊपर अप्लाई करके देखा तो के कैसे इम्प्लीकेशन की साइन आती है और यहाँ पर एंड यूज़ किया जाता है या एंड यूज़ होगा या नहीं होगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, बट इसको एक सीक्वेंस में देखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।